इन पैरलोग्राम वी डिड दैट, अगर मैंने देख लिया ना मेरे देखते हुए आप इधर उधर देख रहे हो, मैं सिर्फ डाइक्लाइज की प्रॉपर्टी को रिपीट कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है. That as far as diagonals of parallelograms are concerned, we learned that एक फिगर बना लेते हैं. The only bisect, diagonals of parallelogram, the only bisect. Then हमने बात की rhombus की. Diagonals of rhombus, they bisect, मैं इसी में से लिख रही हूं, they bisect as well as perpendicular, that means they are meeting at 90 degree. ये rhombus के diagonals का था relation. फिर हमने किया rectangle का, diagonals of rectangle bisect and are equal, they are not bisecting at 90, ये 90 पे bisect नहीं करते. They just bisect and they are equal. Then about square we learned that everything will be there as far as square is concerned. Diagonals bisect at 90 degree. Diagonals bisect each other at 90 degree. And moreover, they are equal as well. This is the property of the diagonals of square. Four types of quadrilaterals we have discussed. Let us discuss the fifth type, trapezium. लक्ष्य एक बात मेरी मान ले, फर्स्ट बेंच पे अकेला आके बैठ. पीरियड खत्म हो जाता फिर ही आ जाना था, है ना? लक्ष्य वेयर योर मास, लेट अस टू डेफिनेशन ऑफ ट्रेपीजियम. अ क्वाड्रिलेटरल, राइट डाउन, अ क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite side is parallel, a quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel and another pair is non parallel, in which one pair of opposite sides is parallel and another pair of opposite side is non parallel is known as trapezium. Dekho zara idhar, ye hamara trapezium, ये साइड्स पैरेलल हैं, वन पेयर इज पैरेलल एंड अनदर इज नॉन पैरेलल. हाँ, दिस इज नॉन पैरेलल. आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी है, बट ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी. वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, बस यही इसकी डेफिनेशन है. ट्रेपीजियम, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स गेट पैरेलल एंड अनदर इज नॉन पैरेलल, दैट इज ट्रेपीजियम. और ट्रेपीजियम की हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी करेंगे. देखो जरा उधर बोर्ड की तरफ सारे जने, ये इसकी पैरेलल साइड, मतलब ये साइड, दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ये वाली, ठीक है, ये दो साइड्स पैरेलल. अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल लूं तो ए एंड डी दे विल बिकम को इंटीरियर एंगल्स, देयर सम विल बिकम 180. सिमिलरली इफ दीज टू पैरेलल लाइंस आई एम कंसीडरिंग बी सी टू बी ट्रांसवर्सल, देन यू कैन हैव B plus C equal to 180. लिख लो, फिर मैं वर्डिंग में लिखवाती हूँ. लिखो, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स अलोंग पैरेलल साइड्स, ये लिखना जरूरी है कि अलोंग पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स along parallel sides will be 180 degree. ये बस दो properties हैं trapezium की. बेटे please stop this. मतलब this is totally distracting to a teacher that someone is
watching at matlab looking at watch during teacher is teaching. एक मिनट. अभी तक हमने ट्रेपीजियम की दो ही प्रॉपर्टीज की, दैट वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, अनदर इज नॉन पैरेलल, एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. दोस एडजेसेंट एंगल्स व्हिच आर ऑन द साइड और व्हिच आर अ साइड पैरेलल लाइंस. हाँ लिख सकते हैं. यस ठीक है. अभी हाँ अगले डेफिनेशन बताऊंगी फिर बताती हूँ इक्वल क्यों है क्यों. नेक्स्ट राइट डाउन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हाँ ट्रेपीजियम के नीचे हम सिक्स्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी आर डूइंग. फोर हमने कल कर ली थी, ये फिफ्थ टाइप है. सिक्स्थ टाइप इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. मैं सिक्स्थ पार्ट लिखवा रही हूँ ना, लिखिए इसकी प्रॉपर्टीज है बहुत सारी. आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, देखो जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है पहली बात वो ट्रेपीजियम तो होगा ही, आइसोसेलेस है वो बाद में देखते हैं, इट विल बी ट्रेपीजियम. ठीक है, तो यू राइट अ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम होना पहले जरूरी है, आइसोसेलेस सेकेंड स्टेप है. अ ट्रेपीजियम इज सेट टू बी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. अ ट्रेपीजियम इज सेट टू बी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम if non-parallel sides, if non-parallel sides gets equal, if non-parallel sides gets equal, देखो जरा एक पेयर तो parallel sides का हो गया, ये तो parallel होगा ही होगा. This is parallel pair side as it is a trapezium, and I'm saying that non-parallel sides should be equal. That means you should have AD equal to BC. This is the main characteristic for a trapezium to be isosceles trapezium, that its non-parallel sides should be equal to one another. Non-parallel sides should be equal to one another. Property of isosceles trapezium. देखो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, नहीं नहीं एडजेसेंट एंगल्स नहीं, सेम वाली बात जो पहले लिखी थी आप ट्रेपीजियम के केस में. एंगल्स हाँ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सेम रिपीट कर लेना वहां पे एरो डाल लो. Sum of the adjacent angles on the parallel sides is 180. जैसे कि हमने ट्रेपीजियम के में केस में किया था, सेम इन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में एक और चीज लिखो, डायगोनल्स आर ऑलवेज इक्वल. इन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम डायगोनल्स आर ऑलवेज इक्वल. सिंपल ट्रेपीजियम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, बट आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं. इक्वल हाँ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के इक्वल होंगे. हाँ हाँ ऑलवेज. दिस इज द सिक्स्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. लेट अस स्टार्ट विद द सेवेंथ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड दैट इज काइट. धैर्य वियर योर मास्क प्रॉपरली. चलो यस सेवेंथ सेवेंथ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ काइट. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बेस एंगल्स इक्वल होते हैं. मैंने लिखवाई नहीं प्रॉपर्टी, हम प्रूफ करेंगे इसको, इसके बेस एंगल्स इक्वल होते हैं. राइट डाउन अ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी अ क्वाड्रिलेटरल a quadrilateral in which naming thodi change karo isko, a kyunki maine usi hisab se likha hai. a quadrilateral in which adjacent sides are equal,
a quadrilateral in which adjacent sides are equal. Is known as kite. Quadrilateral in which adjacent sides are equal is known as kite. Dekhna zara board ki taraf. Wait. As the figure is suggesting, you can see, both of you please leave the class if you are not ready to sit according to the norms. Dono has rahe ho aap aapas mein? Yes. Adjacent sides of kite should be equal. देखो इस फिगर से आपको दिख रहा है कि that this adjacent side equal to this, AD equal to DC and AB equal to BC. AD equal to DC and AB equal to BC. Adjacent sides of kite are always equal. Two pairs of ये इक्वल होंगी ये वाली तो मैंने यही लिखवाया टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड लिख लो टू कर लो बीच में टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल दैट इज कॉल्ड काइट Write down in kite first property ये हुई कि adjacent sides equal ये property हो गई इसकी पहली second in kite diagonals are perpendicular that means AC perpendicular to BD diagonals are perpendicular बस डायगनल इसके परपेंडिकुलर ही होंगे इक्वल नहीं होंगे सिर्फ मैंने डायगनल्स की अभी तक आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई है दैट डायगनल्स आर परपेंडिकुलर नेक्स्ट लिखो एंगल्स एट द एंड ऑफ स्मॉलर डायगनल एंगल्स हां जी एंगल्स एट द एंड ऑफ स्मॉलर डायगनल एंगल्स At the end of smaller diagonal will be equal. देखो इसमें से smaller diagonal कौन सा लग रहा है आपको AC? इसके end पे जो angle है A and C they will be equal. Angles at the end of Harshit please बच्चे keep point. Angles at the end of smaller diagonal they will be equal. Next, longer diagonal will bisect the smaller diagonal. लॉन्गर डायगनल स्मॉलर डायगनल को बाइसेक्ट करेगा यानी कि ये दो हिस्से जो स्मॉलर डायगनल के दो हिस्से हैं ए एंड ओ सी दे विल बी इक्वल बड़े डायगनल के इक्वल नहीं होंगे प्लीज माइंड इट ओनली द स्मॉलर डायगनल विल बी बाइसेक्टेड बाय द लार्जर डायगनल हाँ जी ये एंगल्स एट द एंड ऑफ द स्मॉलर डायगनल विल बी इक्वल एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एक मिनट क्या हाँ वो कर लिया हुआ है आप पहले इसको देखो बस दिस विल बी द प्रॉपर्टीज दैट यू विल लर्न अबाउट काइट काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एडजेसेंट टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच लॉन्गर डायगनल विल बाइसेक्ट द स्मॉलर डायगनल काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच द एंगल्स एट द एंड ऑफ द स्मॉलर डायगनल They will be equal. And moreover, diagonals are perpendicular. Only one property is satisfied that diagonals are perpendicular, right? So this is all about the properties of the quadrilaterals.
अब एक चीज याद रखना कि आपकी बुक में कल हमने जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी अबाउट साइड्स, अबाउट एंगल्स, अबाउट डायगोनल्स, व्हाटएवर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम वी हैव डिस्कस्ड, प्रूफ्स ऑफ दोस प्रॉपर्टीज आर आल्सो देयर. बुक में सारे प्रूफ्स किए हुए हैं. सो लेट मी डिस्कस विद द अदर टीचर्स कि वो कौन से प्रूफ हैं. अभी सिलेबस में मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से प्रूफ डिलीट किए और कौन से हैं. ठीक है, एक मैंने अभी तक आपको करवाया दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. कल हमने एक का किया था, बाकी अभी मैं छोड़ रही हूं फॉर टाइम बीइंग. एंड लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.1. नहीं नहीं छोड़ दो, एंड में करेंगे. अब करने भी हुए तो एंड में करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.1. एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1. चैतन्य कम बैक टू सीट. Angles of a quadrilateral, they are in the ratio. छोटी क्लासेस का क्वेश्चन है. Find the angles. Let the angles be. Please, मैंने पूछा नहीं है. Be quiet. So we suppose the angles like 3x. 5x, 9x and 13x. Now using angle sum property you will be having 3x plus 5x plus 9x plus 13x equals to 360. Angle sum property of quadrilateral. So this will be 30, 30x equals to 360. Please don't tell me until or unless I'm not asking you. Write your in on your notebook silently. 30x 360. X comes out to be 12. Yes. Quite. We want to find angles. Therefore, angles are 3x, 3 into 12, 5x, 9x, 13x. हाँ जी, सॉरी अभी भी पीछे बातें हो रही हैं. ऐसे नहीं यहां तक आवाज आ रही. नहीं, आप लोगों ने नहीं सुधरना. मैं भी कुछ बता रही हूँ. उसका पूछना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ देखना तेरा. तो आप अपनी इधर देखो, बोर्ड की तरफ. तूने तो समझ लिया बेटे, जिसे मैं समझाने पे आ गई ना बहुत बुरा हाल हो जाएगा, याद रखें. इसलिए बेटर है कि आसानी से समझा जो मैं कह रही हूं. क्वेश्चन नंबर सेकंड. इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल then show that it's a rectangle. The question is, if in a parallelogram diagonals they got equal. अभी तेरे को समझ आई नहीं अभी तक? वैसे मैं क्या कह रही हूं,
if the diagonals of a parallelogram are equal, then we need to prove that it's a rectangle. Write down given ABCD is a parallelogram. Given ABCD is a parallelogram in which AC and BD are diagonals. Such that AC is equal to BD. ABCD is a parallelogram in which AC and BD are diagonals such that AC is equal to BD. That means diagonals are equal. Write down two proofs. ABCD is a rectangle. To prove ABCD is a rectangle. बेटे आई एम ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट, यू प्लीज माइंड इट. ये मत सोचना कि हम कुछ बोल रहे हैं मैम को पता नहीं चल रहा. प्रूव दैट एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल. टू प्रूव एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल. लिसन बेटे, लुक एट द बोर्ड. अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें, एबीसीडी रेक्टेंगल, तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अगर हम किसी एक एंगल को भी 90 डिग्री प्रूव कर दें, देन इट बिकम्स अ रेक्टेंगल. सो आवर टारगेट इज टू प्रूव वन ऑफ द एंगल टू बी 90 डिग्री. अब एक चीज याद रखना, ये अब से बहुत बार ये वाला स्टेप आएगा दैट वी नीड टू प्रूव द एंगल्स टू बी 90 डिग्री. सुन लो ध्यान से, जब हम एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करने की बात आती है, दो एंगल्स का सम सबसे पहले 90 डिग्री होना चाहिए, 180 होना चाहिए. अगर दो एंगल्स का सम, हमें दो एंगल्स को 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ करना है, सबसे पहले उन दोनों का सम हमारे पास 180 होना चाहिए. नंबर दो पे दोनों का इक्वल होना जरूरी है, तभी ईच विल बी 90. एक एंगल को 90 प्रूफ करना हमारे लिए मुश्किल है, हम किसी एक और एंगल की हेल्प से एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करेंगे और इस तरह से दोनों एंगल्स को लेंगे कि हमें पहले पता हो कि दोनों का सम 180 है. आप देखो जरा ध्यान से, आप कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स लो, जैसे कि मैंने बी एंड सी लिया. बी एंड सी दे आर द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. बीइंग एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, देयर सम विल बी 180. इतनी बातों में पता चल गई कि बी एंड सी दोनों का सम हमारे पास 180 है. अब दोनों में से एक एंगल 90 डिग्री होगा तो दूसरा अपने आप ही 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि दोनों का सम 180 है. किसी तरह से हम ये प्रूव कर दें कि बी एंड सी इक्वल हैं, देन वी विल गेट देम टू बी 90 डिग्री. सो इफ आई एम टारगेटिंग बी एंड सी, देन आई शुड प्रूव that angle B is equal to angle C. So for that, I should have two triangles, जिनमें से एक में angle B आता हो, दूसरे में angle C आता हो. Then we will prove them to be congruent. Then by CPCT, B equal to C. So consider the triangle ABC. And एक मिनट, TCP. बताती हूँ क्यों ऐसे लिया. ABC and DCB, मैंने दो ट्राइंगल्स ले लिए, ये वाले एडजॉइंट ट्राइंगल लिए मैंने. टू एडजॉइंट ट्राइंगल्स आई एम टेकिंग, वन इज ABC, अनदर इज DCB. AB इक्वल टू DC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. Opposite sides of parallelogram. BC BC common.
अब मैंने ये वाले ट्राइंगल्स इसलिए लिए थे बिकॉज आई एम हैविंग द टू डायगनल्स इक्वल, सो आई शुड यूज इट ए सी इक्वल टू बी डी। आपने दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स लेने, आप ऐसे बेस पे भी ले सकते थे, दिस वन एंड दिस वन, मैंने ऐसे ले लिए दो एडजेसेंट, ठीक है। सो ए सी इक्वल टू बी डी, सो बाय ट्रिपल एस रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी बाय एस एस एस। हमें दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल चाहिए थे, इसका सेंटर एंगल बी और इसका सेंटर एंगल सी, दे विल बी इक्वल बाय सी पी सी। एंगल बी, एक मिनट, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी, प्लीज बच्चे कीप पॉइंट। तो आप देखो जरा B and C equal हो गए, and moreover we know that their sum is 180 being adjacent angles. Write down also B plus C is 180 degree adjacent angles. एक 180 bracket में लिख लो adjacent angles. Yes, now अभी अभी हम ऊपर prove करके आए हैं B and C equal है, replace one by the another. C की जगह B लिख लो. So you will be having two times angle B is equal to 180 implies angle B is equal to 90 degree. Angle B, this is equal to 90 degree. Write down, therefore ABCD is a parallelogram. Therefore, ABCD is a parallelogram in which ABCD is a parallelogram in which one angle is 90 degree. ABCD is a parallelogram in which one angle is 90 degree. Therefore, ABCD is a rectangle. If in a parallelogram, देखो जरा ध्यान से, ये हमारा parallelogram था, इसका एक angle 90 हुआ, तो naturally ये भी 90 हो गया, adjacent angles का sum 180, opposite angles equal, ये भी 90, सारे 90 parallelogram में already properties rectangle की सारी थी, 90 degree आ गया, तो it becomes a, एक मिनट, इसमें angle सारे 90 आ गए, साइड्स की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की और रेक्टेंगल की वैसे ही सेम होती हैं, और डायगनल्स हमें इक्वल दिए हुए थे, तो इस वजह से ये रेक्टेंगल क्या बन गया, अब पैरेललोग्राम क्या बन गया, रेक्टेंगल। सो विद दिस कंडीशन दैट इफ द डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर ये कंडीशन हो और हम ये प्रूव कर दें कि उसका एक एंगल 90 डिग्री बन गया, इट विल बिकम अ रेक्टेंगल। एमसीक्यू में इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से मोल्ड करके डाला जा सकता है, सो प्लीज बी वेरी अवेयर दैट इफ डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट विल बी रेक्टेंगल इफ आउट ऑफ द फोर कंडीशंस व्हिच विल बी सैटिस्फाइड, ठीक है। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयरफॉर एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लिखवाया तो है। नाउ द वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, क्वाइट इक्वेशन लिख लो, डाले सीधे लिया ना, इक्वेशंस लिख लो, नहीं यू डोंट वरी, टुडे तो आई विल डेफिनेटली टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू पीपल, डोंट वरी, जस्ट वेट एंड वॉच, कोई बात नहीं, बता तेरे को टाइम आज बहुत अच्छे से पता चलेगा, यू डोंट वरी। रीड आउट द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट अस स्टार्ट विद थर्ड क्वेश्चन, show that if diagonals of a quadrilateral
bisect each other at right angle, diagonals of a quadrilateral. If they bisect each other at right angle, then it will be a rhombus. Let us start. Write down given a quadrilateral ABCD. मैंने तो सीधा पेरेंट्स को बोलना है कि ये अगर ये फेल होते हैं तो मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें कुछ लिखना नहीं है, कोई सुनना नहीं है, इधर उधर देखते रहना है. गिवन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच डायगनल्स एसी एंड बीडी इंटरसेक्टिंग. एक मिनट, डायगनल्स दिया, चलो करें कल